तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो बी हिंदी के हैं और क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकांकी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इक्वल हैं। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट लगे तो मैंने सोचा एग्जाम आने वाले हैं तो आप तक क्वेश्चन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में हेल्प मिले। आज के इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को सही से समझना है और सही से देखना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकांकी रचनाओं का प्रारंभ किस युग से हुआ? ऑप्शन नंबर एक है शुक्ल युग, बी नंबर प्रसाद युग, सी नंबर भारतीयन युग, डी नंबर द्विवेदी युग। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप गेस करिए, भले एग्जैक्ट ना आए आंसर लेकिन गेस जरूर करिए। ठीक है, एकांकी रचनाओं का प्रारंभ किस युग से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर भारतीय युग। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे बेशक उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकांकी की वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन एकांकी से रिलेटेड होने वाले इस वीडियो में सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ, और निबंध और नाटक की मैंने वीडियो कल और परसों दो दिन में अपलोड कर दिए। अगर वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा तो चैनल पर जाके जरूर देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषयों के आधार पर एकांकी के कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन नंबर एक है 5, बी नंबर है 8, सी नंबर है 6 यानी कि 6, और डी नंबर है 9 यानी कि 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विषयों के आधार पर जो एकांकी में भेद किए गए हैं वो टोटल किए गए हैं 8, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बस आपको मेरा साथ देना, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को सही से देखें, सही से समझें, क्योंकि मैं लिखता हूँ उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद आप तक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इतना आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप भी थोड़ा हेल्प कर दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीमा रेखा एकांकी किसकी है? नंबर एक है भुवनेश्वर, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर है निराला, और डी नंबर है विष्णु प्रभाकर। तो सीमा रेखा एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा, सीमा रेखा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एकांकी होता है? नंबर एक लघु उपन्यास, बी नंबर है लघु नाटक, सी नंबर लंबी कहानी, डी नंबर है दृश्य काव्य। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, दृश्य काव्य। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन जिन स्टूडेंट का ओमार सीट पे एग्जाम होना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओमार सीट होती है उस पर सारे क्वेश्चन आपको मल्टीपल यानी कि ऑब्जेक्टिव इसी तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रूल्स आ गए हैं कि ओमार सीट पे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में अभी नहीं आए हैं तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। उनके भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आएंगे, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तब भी 10 या 5 आप लोगों के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन जिनका जिन यूनिवर्सिटी में ओमार सीट पे एग्जाम होने लगा है यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बादल की मृत एकांकी का रचना काल कब है? नंबर एक 1940, बी नंबर है 1920, और सी नंबर है 1930, और डी नंबर है 1935। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प विधान को दृष्टि से थोड़ा टाइप करने मिस हो गया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टाइप करने में कुछ वर्ड मिस हो सकते हैं, उसे आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ विधान की दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं? नंबर एक 6, बी नंबर है 9, और सी नंबर 7, और डी नंबर है 12। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के एकांकीकार हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है हरिकृष्ण प्रेमी, बी नंबर प्रताप नारायण, और सी नंबर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, और डी नंबर है जगमोहन। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सी नंबर। ओके, सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कबूतर खाना किसकी एकांकी है? ऑप्शन नंबर एक है जगदीश चंद, बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क, सी नंबर अज्ञे, और डी नंबर है जयशंकर प्रसाद। ओके, तो कबूतर खाना जो एकांकी है वो है जगदीश चंद्र जी की, इसलिए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से
हिंदी के प्रमुख एकांकीकार कौन है? निम्नलिखित में से, मतलब कि जो इसमें दिए गए हैं इनमें से कौन प्रमुख है? तो नंबर एक है रेणु, और बी नंबर है उपेंद्रनाथ अस्क, सी नंबर धर्मवीर भारती, और डी नंबर है जैनेन्द्र। तो जो प्रमुख एकांकीकार हैं निम्न में से वो हैं उपेंद्रनाथ अस्क जी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक घूंट एकांकीकार का रचनाकाल क्या है, यानी कि जो एक घूंट एक एकांकी है उसकी रचना, यानी कि जो वो बनाई गई थी या लिखी गई थी या रची गई थी, वो किस सन में रची गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है 1922, बी नंबर है 1951, और सी नंबर है 1929, और डी नंबर है 1935। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1929, सी नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उसके बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे रेडी रहिया करिए, क्योंकि 7 बजे मेरी क्लासेज अपलोड हो जाती हैं, तो सारी आप ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो इसमें से जो प्रथम एकांकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली क्वेश्चन आपको जानना भी जरूरी है अगर हिंदी क्षेत्र से आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है उसे क्या माना जाता है? एक घूंट नील देवी, सी नंबर करुआ, डी नंबर बादल की मृत्यु। दोस्तों राइट आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा इसका प्रथम एकांकी। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, एक घूंट प्रथम एकांकी है, ध्यान देना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? इसमें थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया दोस्तों, है ये नहीं होगा, ठीक है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ऊपर ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था कि प्रथम एकांकी कौन सी थी, अब यहाँ आ रहा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। नंबर एक है मोहन राकेश, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल जी, और सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी नंबर अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ मंदिर किसकी एकांकी है? मातृ मंदिर एक एकांकी है जिसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संकलय त्रय क्या है? नंबर एक लघुता, बी नंबर गरिमा, सी नंबर महिमा, और डी नंबर है समय अवस्थान कार्य। तो जो संकलय त्रय है वो है समय अवस्थान और कार्य, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हो तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर जरूर करिए, स्क्रीन शॉट जरूर लीजिए। अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया कि प्रथम हिंदी एकांकी के जनक कौन है उसे आप लिख दिए हरिश्चंद्र, और प्रथम एकांकी कौन सी है आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए कि एक घूंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि भोर का तारा एकांकी किसकी है? नंबर एक विष्णु प्रभाकर, बी नंबर जैनेन्द्र, सी नंबर जगदीश चंद माथुर, और डी नंबर है मोहन राकेश। तो भोर का तारा जो एकांकी है वो है जगदीश चंद्र माथुर की, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एकांकी में सुधार अनिवार्य होता है, तो एकांकी में सुधार अनिवार्य तो होता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, जो राइट आंसर आप लोगों को बताना प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एकांकी में सुधार अनिवार्य है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हाँ अनिवार्य है, क्योंकि सुधार जब तक नहीं होगा सही कहाँ होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है? नंबर एक धर्मवीर भारती, और बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर भारतेंदु, और डी नंबर है मोहन राकेश। तो नदी प्यासी थी एक प्रकार की एकांकी है, ठीक है, एकांकी है। तो इसके जो लेखक हैं या एकांकीकार हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर आपको मिली गए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती, ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीपदान किस विधा की रचना है? नंबर एक नाटक, बी नंबर एकांकी, सी नंबर उपन्यास, डी नंबर है कहानी। तो आप लोगों को बताना है कि दीपदान जो है वो किस विधा की रचना है, ध्यान देना है क्वेश्चन किस विधा की रचना है। तो नंबर एक है नाटक, बी नंबर एकांकी, सी नंबर उपन्यास, और डी नंबर कहानी। तो दीपदान जो है आपकी
जो विधा है वो है एकांकी, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी में आधुनिक एकांकी के नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है गुलाब राय, डी नंबर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी नंबर है शिव पूजन, डी नंबर धर्मवीर भारती। तो ये क्वेश्चन शायद पिछली वीडियो का इसमें रिपीट हो गया है, तो आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है? तो प्रेम योगिनी, ठीक है, एक प्रकार की एकांकी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, मैंने देखा है। तो ये एकांकी किस युग की है? तो नंबर एक है शुक्लोत्तर युग, बी नंबर है शुक्ल युग, सी नंबर है भारतेंदु युग, और डी नंबर है प्रसाद युग। तो जो प्रेम योगिनी है वो भारतेंदु युग की एक एकांकी है, इसलिए इसका राइट आंसर होता है सी नंबर, भारतेंदु युग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा एकांकी किसकी कृति है? तो नंबर एक है अज्ञेय, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर भुवनेश्वर, और डी नंबर है हरिकृष्ण प्रेमी। तो करुणा एकांकी जो है वो भुवनेश्वर की है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद, सी नंबर। ये क्वेश्चन मैंने शायद जब भुवनेश्वर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे आप लोगों की, क्योंकि सभी लेखक के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई है, तो भुवनेश्वर जिससे रिलेटेड मैंने जो सारे क्वेश्चन बताए थे तो उसमें ये शायद क्वेश्चन आया था। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको शायद याद आ रहा होगा, अगर वीडियो देखें तब, ठीक है, क्योंकि भुवनेश्वर की जो पूरी जितने भी उनके बारे में क्वेश्चन थे, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, लेखक यानी कि इनके माता पिता का क्या नाम है, और बहुत सारी डिटेल मैंने बताई थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या चैनल पे है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्न में से प्रेतात्मक, ठीक है, एकांकिकारों में प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक है धर्मवीर भारती, बी नंबर भुवनेश्वर, सी नंबर विष्णु प्रभाकर, और डी नंबर है निराला। तो प्रेतात्मक जो एकांकिकार है इनमें से जो प्रमुख है वो हैं श्री भुवनेश्वर जी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर के भुवनेश्वर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहू की विदा एकांकी किसकी है? नंबर एक है विनोद रस्तोगी, बी नंबर मोहन राकेश, सी नंबर जगदीश चंद्र माथुर, और डी नंबर है शिव पूजन। तो बहू की विदा जो एकांकी है वो विनोद रस्तोगी जी की है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी सामान्यता कितने समय की होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ भाई एकांकी सामान्यता क्या, इसकी ड्यूरेशन होती है, अवधि क्या होती है, कोई लिमिट होती है कि अनलिमिटेड होती है? तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा भी। ऑप्शन नंबर एक है 50 मिनट, बी नंबर है 1 से 2 मिनट की, और सी नंबर है 30 से 45 मिनट की, और डी नंबर है 8 मिनट की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एकांकी सामान्यता जो होती है, सामान्यता की बात हो रही है, ठीक है, वो होती है 30 से 45 मिनट, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर देखिए 30 से 45 मिनट की होती है एकांकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली एकांकी किसकी है? नंबर एक है रामचंद्र, बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, और डी नंबर है राम कुमार वर्मा। तो सूखी डाली जो एकांकी है वो है उपेंद्रनाथ अस्क की, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का शेर एकांकी किसकी है? बहुत सारी एकांकी ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज आ रहे हैं कि ऐसी भी एकांकी होती हैं क्या? हाँ भाई एकांकी होती हैं, अगर आपने अभी सीरीज नहीं खरीदा है तो सीरीज ज़रूर खरीदिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों ने खरीद लिया होगा आई होप, और क्वेश्चन बैंक भी जो भी आपके एग्ज़ाम में यानी कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए सुटेबल होंगी वो सारी आप चीज़ें आपने खरीद ली होंगी, तो उसमें से भी आप पढ़ाई करिए, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे भी पढ़ाई करिए, और जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से भी पढ़ाई करिए, क्योंकि दोनों से पढ़ेंगे तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का मैटर है, ये बाद में कहने वाली बात ना आए कि सर आपने जो बताया इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, आपने ये भी नहीं सजेस्ट किया कि आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा करिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो भी देखिए टाइम निकाल के थोड़ा बहुत, और क्वेश्चन की जो सीरीज हैं आपने खरीदी हैं क्वेश्चन बैंक उनसे भी पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट, इस मिट्टी का शेर जो एकांकी है वो किसकी है मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी एकांकी साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? नंबर एक है 8, बी नंबर है 12, सी नंबर है 9, और डी नंबर है 4। तो
बांटा जा सकता है, बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ओके, चार, चार भागों में बांटा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि चरवाहे एकांकी किसकी है, या चरवाहे एकांकी के एकांकीकार कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक है कंवर बहादुर, बी नंबर उदय शंकर भट्ट, और सी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क, और डी नंबर है जय शंकर प्रसाद। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, सी नंबर, सी नंबर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास के श्रेय का श्रेय किसे दिया है। अब बात हो रही है डॉक्टर नागेंद्र जी के अकॉर्डिंग कि हिंदी एकांकी के विकास के श्रेय किसे जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, समझिएगा। पहले फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास के श्रेय, विकास का जो श्रेय है वो किसे दिया है। नंबर एक जयशंकर प्रसाद, बी नंबर निराला, सी नंबर अज्ञे, और डी नंबर है धर्मवीर भारती। तो जो मेन श्रेय दिया है उन्होंने दिया है डॉक्टर नागेंद्र वर्मा के अनुसार, ठीक है, उन्होंने दिया है ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को दिया है मेन श्रेय, ओके। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चारुमित्रा किसकी एकांकी है। तो चारुमित्रा की एकांकी किसकी एकांकी है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा एकांकी, सॉरी अज्ञे, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद, और सी नंबर है रामकुमार वर्मा जी, और डी नंबर है भुवनेश्वर जी। तो जो चारुमित्रा के एकांकीकार हैं, ठीक है, वो हैं रामकुमार वर्मा जी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, रामकुमार वर्मा, ओके। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप अच्छे से पढ़िएगा। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन लगे हों तो वो सारे क्वेश्चन दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से वीडियो देख लीजिए, इसके आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी, ओके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और कुछ पूछना चाह रहे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्किप मत करिए, रुके रहिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो एकांकी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो मैंने इतने यानी कि 30 यानी 30 ही क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है जिससे आप लोगों को बोरिंग फील होती, इसलिए मैंने वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। मैंने पूरे 50 से 60 क्वेश्चन की PDF बना ली है, क्वेश्चन सारे बना लिए हैं, उनको मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो वहां से आपको पढ़ने में इजीली होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, जहां पर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, जिसका नाम है sandeepinfo.com। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पर रेडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर आपको एकांकी, नाटक और भी निबंध, जो वीडियो हमारी रेगुलर देख रहे हैं उन स्टूडेंट को मालूम होगा, सारे वेबसाइट पर क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो वेबसाइट पर जाइए, विजिट करिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप पढ़िए, जिससे आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्कशन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर रखा है, तो आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर भी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।